पर आपको बता दें हरियाणा के बहादुरगढ़ से जहां पर तीसरे दिन अब अंडरपास में डूबे व्यक्ति का शव मिला है। दरअसल नव निर्मित रेलवे अंडरपास में एक युवक फंस गया था। फायर ब्रिगेड ने सर्च अभियान चलाकर शव को निकाला है। अंडरपास में 17 फीट तक बरसाती पानी भर गया था। बामडोली गांव का रहने वाला व्यक्ति मृतक जय किशन फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, जो यहां पर नवनिर्मित अंडरपास में पानी भरने से यहां पर वो डूब गया था। तो अब सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक के शव को 3 दिन बाद निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर के यहां पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। दरअसल नवनिर्मित इस अंडरपास में बारिश की वजह से पानी भर गया था, जिसके बाद यहां पर एक युवक फंस गया। तीसरे दिन यहाँ पर डूबे हुए व्यक्ति का शव बरामद हो सका है। यहाँ पर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ यहाँ पूरा बचाव कार्य चलाया गया और शव ढूंढने का प्रयास लगातार किया गया, तब जाकर के तीसरे दिन ये शव बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बहादुरगढ़ से, जहां पर तीसरे दिन मिला युवक का शव, जो इस नवनिर्मित अंडरपास में डूब गया था यहां पर फंसने के बाद। चलिए यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।